नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में तेज रफ्तार बस ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बकरी थाना क्षेत्र के कारगिल चौक की है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम मृतक क्रिकेट खेलकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बेगूसराय से बकरी की ओर जा रही तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक बेगूसराय बकरी सड़क को जाम कर हंगामा किया। ये मृतक जो लड़का है, मोहम्मद कुर्बान जी का लड़का है, और ये मखा चक वार्ड नंबर 4 इनका घर है। क्रिकेट खेल कर आ रहा था, सड़क से किनारे से गुजर रहा था, लेकिन बकरी बेगूसराय रोड पर चलने वाली न्यायरत बस से कुचल कर उसकी मौत हो गई है। और हम लोगों की प्रशासन से यही मांग है और सरकार से कि जो रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा है उस पीड़ित परिवार को मिले, और जो भी राहत मिल सकता है वो सब राहत दिलाने की कोशिश की जाए। मुंगेर में एक बार फिर कोरोना का कहर बरपा है। असरगंज प्रखंड में स्कूल खुलते ही 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण का मामले सामने आते ही ग्रामीण के साथ ही जिला प्रशासन के बीच हड़कंप मच गई। इस प्रखंड के लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय के 25 बच्चे जांच के क्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन बच्चों के साथ विद्यालय के 3 शिक्षक भी कोरोना संक्रमित हैं। कोविड रिटर्न हुआ है, बीच में एक केस दो केस मिलते थे, 25 एक साथ मिले, तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को? सलाह जो सामाजिक स्तर पर जो ये कोविड की भयावहता को हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये स्कूल स्टार्टअप की जो बात हुई है और उसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला चीज़ है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सरैया में बीते साल 22 नवंबर को 5 करोड़ 25 लाख रुपए के भरे कैश वैन लूटने की कोशिश में शामिल एक बड़े अपराधी के गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया है। गिरोह के सरगना समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 4 देसी कट्टे के साथ कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। सरैया थाना क्षेत्र में एक 5 करोड़ 25 लाख रुपए के एटीएम कैश वैन की लूट का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक एसआईटी टीम बनाई। नगर पुलिस अधीक्षक के और अन्य सदस्य शामिल थे। इन लोगों ने लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट करते हुए कल बीती रात 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन और अन्य सामान बरामद किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अब इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार में गोलियों का शिकार होना आम आवाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई। बेखौफ हुए अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी गोली मारकर पुलिस को चुनौती देते हुए आसानी से निकल जाते हैं। देर शाम मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित मोती झील के अप्सरा मार्केट के मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जिस समय वे दुकान से घर लौट रहे थे। अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं ये हैं कि 3 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, चलती बाइक में गोली मारी गई, जो सीसीटीवी कैमरे से नज़र आ रहा है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मधेपुरा में जिला नीलाम पदाधिकारी के हेड क्लर्क विंदेश्वरी सदा को निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में बताया गया है कि मधेली निवासी पूर्व प्रधानाचार्य निरंजन कुमार से सर्टिफिकेट के इस मामले के निपटारे के लिए 60,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इस मामले की भनक निगरानी विभाग की टीम को लगी तो निगरानी विभाग के DSP सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। हाँ, आज करीब 9 बजे सुबह उदा किशुनगंज चौक पर ये जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान क्लर्क हैं, ये निरंजन कुमार हैं, आपके मधेली दियरा वार्ड नंबर 11 थाना आलमगंज के आलमनगर के। इन पर सर्टिफिकेट केस हुआ था रिश्वत का। उन्होंने
60,000 रुपये की रिश्वत की मांग किया था, जो आज मैं 50,000 रुपया उन्हें रिश्वत के रूप में देने आए थे। और इसकी शिकायत मैंने निगरानी थाना को हमने दिए थे, उसी एवज में आज ट्रैप हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।